ढाका में खेले जा रहे सैफ अंडर 19 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत की टीम ने शानदार शुरुआत की है। अपने पहले मुकाबले में उसने भूटान को बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में 10 गोलों से पराजित किया है। ये विशाल जीत भारतीय टीम को कैसे मिली और किन किन खिलाड़ियों ने गोल किया आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। ढाका में अंडर 19 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो शुरू हो गई है और भारतीय टीम ने शुक्रवार को अपना पहला मैच खेला और पहले मैच में भारतीय टीम का सामना जो है वो भूटान की टीम से था और चूंकि ये टूर्नामेंट का पहला मैच था तो भारत के लिए महत्वपूर्ण था और इसलिए एक अच्छी शुरुआत की दरकार उसे थी जो उसे मिल भी गई। पहले मैच में भारतीय टीम जो उतरी थी, आपको बता दूं कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम की जो कप्तानी कर रही है अंडर 19 टीम की, वो झारखंड की नीतू लिंडा हैं। और आपको बता दूं कि इस मैच में जो है भारतीय टीम ने उनके नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया, उनका स्किल और टीम वर्क जो है वो देखते ही बना। खेल का 7वां ही मिनट था कि नेहा जो है वो लेफ्ट से एक मूव बनाती हैं, उनका क्रॉस आता है और शिवानी देवी जो है वो पहला गोल दाग कर भारतीय टीम को 1-0 से आगे कर देती हैं। 18वें मिनट में कहानी कुछ पहले गोल जैसे ही थी, नेहा का क्रॉस था और शिवानी देवी का गोल था, लेकिन जो तीसरा गोल भारत ने 31वें मिनट में किया उसमें जो है पूजा जो है वो पार्टी ज्वाइन करती हैं और भारत के लिए तीसरा गोल दागती हैं। लेकिन चौथा गोल जो है एक बार फिर से शिवानी देवी करती हैं, गेंद उनके पास पहुंचती है, तेज दौड़ लगाती हैं, डिफेंडर्स को चकमा देती हैं, गोलकीपर को चकमा देती हैं और फिर गोल करके भारतीय टीम को 4-0 से आगे कर देती हैं। ये खेल का 36वां मिनट था। मध्यांतर तक भारतीय टीम इन्हीं 4 गोलों की बढ़त पर था। मध्यांतर के बाद जब खेल शुरू हुआ तो पहले 6-7 मिनट तो भूटान की टीम भारतीय टीम को रोकने में सफल रही, लेकिन फिर जब गोल होने का सिलसिला शुरू हुआ तो अगले 9 मिनट में ही भारतीय टीम ने जो है वो 4 गोल दाग दिए। इसमें 52वें मिनट में सुलंजना राहुल ने गोल किया, ये भारत के लिए 5वां गोल था। फिर 58वें मिनट में पूजा पहले प्रयास में चूक जाती हैं, लेकिन दूसरे प्रयास में वो गेंद को नेट में डाल देती हैं और भारतीय टीम 6-0 से आगे हो जाती है। पूजा फिर 59वें मिनट में 7वां गोल करती हैं। 61वें मिनट में मेनका देवी भारत के लिए 8वां गोल करती हैं। उसके बाद थोड़ा विश्राम 11 मिनटों का और 72 मिनट के बाद भारत के लिए 9वां गोल आता है और फिर जब खेल जो जाता है आपको इंजरी टाइम में, तो इंजरी टाइम में भारत जो है अपना 10वां गोल भी कर देता है और फिर पूजा ही गोल करती हैं। ज़बरदस्त रन था, एक्सलेंट रन, और उसके बाद वो दौड़ते हुए जाती हैं, डिफेंडर्स को चकमा देती हैं, गोलकीपर को भी पीछे छोड़ देती हैं और गेंद को आराम से जाल में डाल देती हैं और भारतीय टीम 10 गोलों से जीत जाती है। तो पूजा का शानदार प्रदर्शन, पूरे मैच में उन्होंने 4 गोल किए जबकि शिवानी देवी ने 3 गोल किए, तो इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बूते भारत ने सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप विमेंस वर्ग में जो है अपना पहला मैच 10 गोलों से जीत लिया है और पूरे 3 अंक अर्जित कर लिए हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।